हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूं माय प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है ये देख सकते हैं हैवी कस की फ्लावर की ऊपर है। इसको मैंने कटिंग से लगाया था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। पौधा देखिए कितना छोटा सा, अभी कटिंग बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन एक देख सकते हैं फ्लावर आया हुआ है, इधर बर्ड्स आया हुआ है। ढेर सारी कटिंग लगाई थी मैंने, देख सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर इंजॉय कीजिएगा, किस तरह से कटिंग लगानी है, किस तरह से आपको ट्रांसप्लांट करना है, सभी चीज़ें मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप लोगों से। तो देखें ये जो हमने कटिंग लेनी है, ज्यादा मोटा बिल्कुल ही नहीं है, देख सकते हैं। इस तरह कटिंग लगाने से पहले हमको जितने भी पत्ते हैं इसको रिमूव कर देने हैं। पत्ते क्यों रिमूव करने हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इनको हरा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और ये जितनी एनर्जी होगी आपकी कटिंग से सारी ले लेंगे और आपकी कटिंग सूख जाएगी। और कटिंग इस तरह से हमने दो भागों में कटिंग कर लेनी है। देखिए कटिंग हमेशा तिरछी कट करनी है ताकि जो रूट्स हैं यहीं पर आते हैं, तो काफी ज्यादा, तो इसके लिए हमें रूट एलोवेरा जेल चाहिए होगी। एलोवेरा जेल इसलिए लगाते हैं फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो इस तरह लगा के नॉर्मल आपने कटिंग लगाना, पानी डालना। पानी डालने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर मौसम एक सार रहे, यानी कि टेम्परेचर एक ही सार रहना चाहिए। ज्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सर्दी भी नहीं होनी, यानी कि छाया भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो धूप तो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़नी ही नहीं चाहिए, सिर्फ छाया रहनी चाहिए और जहां पर हवा की क्रॉसिंग होती रहे, तो आपका पौधा भी कुछ इसी तरह से सरवाइव करेगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारी कटिंगें लगी हुई है ना घर इस तरह से। पौधे को जब भी आपने ट्रांसप्लांट करना है तो आपको मिट्टी जो इस तरह से भुरभुरी हो जानी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन सोयल चाहिए। हो सके खाद कम से कम मिक्स करें, क्योंकि अब पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं। जब आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करने लग जाएगा तो उस समय आप इसके अंदर खाद ऐड कर सकते हैं।